देश में आप किसी भी मां बाप से पूछिएगा कि उसका सपना क्या है, तो लगभग हर पेरेंट यही कहेगा कि बेटा या बेटी कुछ अच्छा कर ले, जीवन में कुछ बन जाए। मां बाप का सपना ही यही रह जाता है मां बाप बनने के बाद, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं, यानी उनके बच्चों के सपने ही उनकी जिंदगी बन जाती है। लेकिन सोचिए उन बच्चों के मां बाप पर क्या बीतती होगी जो एक वक्त कम खाकर, पुराने कपड़े पहनकर, गर्मी में पैदल ऑफिस जाकर पैसा बचाते हैं और बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। बच्चे का एग्जाम भी अच्छा चला जाता है और फिर क्या पता चलता है, पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। आज उन्हीं मां बाप, उन मेहनत करने वाले बच्चों की आवाज सिस्टम को सुनाने की कोशिश करूंगा पाठशाला में। देश में एक आम छात्र एक पेपर लीक की कितनी कीमत चुकाता है आपके लिए क्या है? आपका बच्चा अगर एग्जाम नहीं दे रहा तो आपके लिए एक और हेडलाइन हो सकती है, आप अखबार में एक और खबर के तौर पर उसको देख सकते हैं। लेकिन अगली बार जब आप कहीं पेपर लीक की खबर सुने तो यह पाठशाला का पूरा चैप्टर आपके जहन में आना चाहिए, तभी यह सिस्टम सुधरेगा। उस एक पेपर लीक की कीमत उस मां बाप उस बच्चे के लिए क्या होती है आज आपको बताऊंगा। अगर सिर्फ मई का महीना जो चल रहा है इसी की बात कर लो तो इसी एक महीने जो अभी खत्म भी नहीं हुआ है, 20 दिन हुआ है, दो राज्यों में बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। दो बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, एक हुई है राजस्थान के अंदर, वहां पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम 14 मई को परीक्षा होनी थी, परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक हो गया, एग्जाम रद्द हो गया। 4,588 पदों पर 18 लाख से अधिक कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन था, 18 लाख स्टूडेंट्स। और दूसरी बिहार में हुई, जिसे आप बीपीएससी की परीक्षा कहते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, 8 मई को परीक्षा थी, रद्द हो गई। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की बात आ गई, परीक्षा रद्द हुई। 802 पोस्ट थे, 6 लाख कैंडिडेट थे। तो यहां राजस्थान में 18 लाख कैंडिडेट और यहां बिहार में 6 लाख कैंडिडेट, मतलब मई के 20 दिन के अंदर 24 लाख छात्र अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोमेंट गंवा चुके हैं। 24 लाख छात्र सिर्फ एक महीने 20 दिन में, बता रहा हूं। और सबसे पहले राजस्थान में पेपर लीक का चैप्टर खोलता हूं, क्योंकि राजस्थान में पेपर लीक की कहानी हैरान करने वाली है। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई, 4,588 पदों पर 18 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने आवेदन किया था। 13 से 16 मई तक यह परीक्षा दो शिफ्ट में हुई, इसी बीच 14 मई को दूसरी शिफ्ट में हुई परीक्षा का पेपर लीक हुआ। सिर्फ 27 मिनट में ही स्ट्रांग रूम से पेपर बाजार में आ गया, 27 मिनट में। सोचिए क्या ये जो पेपर लीक करते हैं इनका सिस्टम कितना स्ट्रांग होता होगा। राजस्थान में भर्ती परीक्षा का इतना बुरा हाल है, आप उदाहरण से समझ जाइएगा, राजस्थान में पुलिस भर्ती परीक्षा लंबे समय से विवादों में, 2018 में भी नकल होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसी वजह से इस बार पुलिस विभाग ने ज्यादा सावधानी बरती। सोचिए एग्जाम भी किसका है, पुलिस विभाग का है, जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, और पुलिस विभाग के ही एग्जाम में पर्चा लीक हो जा रहा है, एक बार नहीं दोबारा हो गया। सभी 470 सेंटर पर कड़ी सुरक्षा लगाई गई थी, परीक्षा सेंटर पर इंटरनेट को बंद करने के लिए जैमर लगाए गए थे, एक एक कैंडिडेट पर नजर रखने के लिए ज्यादा गार्ड्स की तैनाती की गई थी, कैंडिडेट्स को फुल स्लीव शर्ट पहनकर सेंटर में जाने नहीं दिया गया, कैंडिडेट के बायोमेट्रिक जांच भी की गई, सेंटर पर सिर्फ पुलिसकर्मियों और निरीक्षक को जाने की इजाजत थी, महिला कैंडिडेट्स को हाथ पर मेहंदी भी नहीं लगाने की हिदायत दी गई थी। इतना ही नहीं, परीक्षा को दो शिफ्ट में 4 दिन में बांटा गया ताकि कोई कमी ना रह जाए। इन सब के बावजूद पेपर लीक हो गया। सोचिए कैसा सिस्टम है। पेपर लीक को लेकर राजस्थान का नाम पहले से ही बदनाम है। राजस्थान में करीब करीब हर भर्ती परीक्षा पर विवाद होता है। 26 सितंबर 2021 शिक्षक भर्ती के लिए रीट का पेपर था, 31,000 वैकेंसी थी, 16 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स थे, पेपर लीक के आरोप लगे, लेवल 2 की परीक्षा रद्द हो गई, 3 लाख से 40 लाख में पेपर बिकने का आरोप लगा, गए 16 लाख लोग जो बेचारे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कैंसिल हो गए।
13 से 15 सितंबर 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, 857 पद थे, 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। परीक्षा से पहले सोशल मीडिया में पेपर वायरल हो गया, 15 लाख में पेपर बिकने का आरोप लगा, गए स्वाहा 8 लाख लोगों की मेहनत। 26-27 दिसंबर 2021 ग्राम विकास अधिकारी के 3,896 पदों पर भर्ती होनी थी, 15 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया, 27 दिसंबर को पेपर लीक का खुलासा हुआ। 14 सितंबर 2021 राजस्थान में नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट के अंदर सेंटर तक आंसर शीट पहुंच गई, 35 लाख में परीक्षा पास कराने का खुलासा हुआ। राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं तब हो रही हैं जब मार्च के महीने में सरकार, राजस्थान की सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पास किया था, जिसमें सख्त प्रावधान किए गए कि नकल में शामिल लोगों पर 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा, यह कानून है, और उसके बाद पेपर लीक हुआ है। आरोपी संस्था की मान्यता रद्द करने का प्रावधान है, संस्था पेपर लीक या नकल में शामिल होगी उससे परीक्षा कराने में हुआ खर्च वसूला जाएगा, 10 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है, नकल करते हुए पकड़े जाने पर 3 साल की सजा है, परीक्षा के दौरान गैजेट्स का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर 3 साल की सजा है, आरोपियों की किसी भी तरह की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है, इस बिल के तहत एंटी चीटिंग सेल का गठन है। पर चीटिंग हो गई, पेपर लीक हो गया, कैसे फिर इस कानून का क्या मतलब रह गया? कड़ा कानून बनाइए, हल्का कानून बनाइए, जब पेपर ही लीक हो जा रहा है तो फिर क्या है कानून? इतने सख्त प्रावधान के बावजूद राजस्थान में भर्ती परीक्षा में नकल नहीं रुक पा रही। अच्छा, यह भी नहीं है कि पेपर लीक की समस्या सिर्फ राजस्थान तक सीमित है, हमारे सिस्टम में यह लीकेज हर राज्य में है। लगभग हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, 27 मार्च को परीक्षा हुई, पेपर लीक होने की बात सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। 1,334 पोस्ट के लिए 75,000 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। सोचिए, अब वो 75,000 लोग फिर वेट कर रहे हैं कि एग्जाम हो जाए। हिमाचल सरकार इस पेपर लीक की जांच सीबीआई से करवाए, करा लीजिए जांच, उनके लिए तो समय बर्बाद हो गया ना, पैसा बर्बाद हो गया ना, उम्र लौटेगी उनकी। गुजरात फॉरेस्ट गार्ड, 27 मार्च को एग्जाम होना था, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हुई, 334 पोस्ट के लिए 2,22,000 कैंडिडेट। हल्का फुल्का मामला लगता है आपको, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 15 लाख, 16 लाख लोग जो हैं वो इतनी मेहनत करके एग्जाम देकर आए, सोचे कि, या एग्जाम देते जाते वक्त सोचे कि इतना पढ़े हैं अब तो बढ़िया ही होगा, पेपर लीक हो गया। लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट, उनके मां बाप, उनके परिवार के लोग किसी चंद लोगों के, उस चंद लोगों के सिस्टम की कमी को भुगत रहे हैं जिसे सुधारना उनके हाथ में नहीं। असम में 24 अप्रैल को ऐसा ही पेपर लीक हुई, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। एक छात्र पेपर लीक की कितनी कीमत चुकाता है, भर्ती परीक्षा की तैयारी के दौरान एक साल में छात्र कितना खर्च करता है, अगर आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं, आप सुनिए। छात्र का खर्च अगर देखिएगा, कोई मामूली बात नहीं होती है कि निकले घर से और जाकर एग्जाम दे आए बस हो गया। अगर छात्र इलाहाबाद में मान लीजिए तैयारी कर रहा है तो वहां सालाना खर्च उसका मिनिमम 1.5 लाख का पड़ता है, सालाना मिनिमम बता रहा हूं आपको, मतलब महीने का करीब 12,500 के आसपास, 12-13,000। और अगर यही छात्र सोचे कि थोड़ा और अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, थोड़ा मेट्रो रहे और ये रहे और वो रहे, थोड़ा शोशेबाजी भी रहे, या अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाए, तो दिल्ली आ जाए, तो उसका यही खर्च 1.5 लाख से बढ़कर कितना हो जाता है, 3 लाख रुपया सालाना, जस्ट डबल हो गया। और आप ये सोचिए कि ये कौन भरता है, उनके मां बाप भरते हैं। उन मां बाप की इनकम क्या होती है आपको पता है? एक सर्वे के मुताबिक सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले 65% ही छात्र ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं। ज्यादातर छात्रों के परिवार की इनकम बहुत कम होती है। जो सर्वे आपको बता रहा हूं उस सर्वे में आप देखिएगा, उस सर्वे में निकल कर आया कि 73% छात्र जो हैं
उनके परिवार की महीने की इनकम, परिवार की इनकम जो है महीने की, वो आपको पता कितनी है? 20,000 से कम है। अब आप मुझे बताइए, जो 20,000 रुपया कमा रहा है और दिल्ली में बच्चे को पढ़ने भेजना चाहता है, इनका एनुअल जो इनकम है वो 2.4 लाख का तो इनका पैकेज ही बन रहा है, 2.5 लाख रुपया भी नहीं कमा रहे, और बच्चे को दिल्ली में पढ़ाने के लिए कितना है? 3 लाख रुपया। पूरा पैसा भी बच्चे के पढ़ाई में लगा देंगे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, कुछ खरीदेंगे नहीं, तो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो बेचारे गरीब मां बाप कर्जा लेकर, जमीन बेचकर, कुछ कुछ करके ये भरते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ ले, एग्जाम निकाल ले, उसकी नौकरी लग जाए। लेकिन हमारे देश में सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि किसी के पास 35 लाख है, किसी के पास 50 लाख है, उसने पेपर खरीद लिया, उसके तो वारे न्यारे हो गए, और जो बेचारा गरीब है और वही पेपर जब लीक होता है, पकड़ा जाता है, हो गया पैसा बर्बाद। अब 1 साल 2 साल बाद एग्जाम होगा, वो बच्चे को और पढ़ाइए, उतना पैसा दीजिए रहने के लिए, कहां से लाएगा वो गरीब आदमी? एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि एक गरीब परिवार के छात्र को किसी प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए, आपको उदाहरण देता हूं बिहार का, कि अगर बिहार का छात्र है, हम लोग भी बिहार से ही हैं, और बिहार का छात्र बहुत मेहनत करता है। बिहार में हम लोग जब थे तो मान के चलिए, हम लोग के टाइम में तो जीवन में, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि क्राइम बहुत था वहां, तो 6-7 बजे घर में घुस जाइए और पढ़ाई कीजिए। ये डिस्को, घूमने जाना, ये सब तो होता ही नहीं था, मॉल चले गए। तो बिहार का छात्र आज भी ज्यादातर जो है वो पढ़ाई ओरिएंटेड होता है, खाली पढ़ाई करो और एग्जाम निकालो, नौकरी करो। यहां बिहार के अंदर जो सालाना आय है प्रति व्यक्ति, सालाना आय वो 50K से कम है, यानी 50,000 से कम है। सालाना आय कह रहा हूं, महीने का नहीं कह रहा हूं, सालाना। तो मतलब आप मान के चलिए कि बिहार में महीने के हिसाब से अगर देखिएगा तो 4,000 से थोड़ा ज्यादा। जो आदमी महीने का 4,000 रुपया कमा रहा है, 4,000 रुपया कैसे बच्चे को पढ़ाता होगा, सोचिए। अगली बार जब आप पेपर लीक की खबर अखबार में पढ़ें तो आपके अंदर गुस्सा दौड़ना चाहिए। जहां की भी सरकार हो, जिस भी पार्टी की सरकार हो, आपको वोट देते वक्त उनसे पूछना चाहिए कि पहले गारंटी दो कि वो जो 4,000 रुपया बेचारा कमा रहा है उसके बारे में सोचोगे। घर के राशन पर अब आप सोचिए, जो 4,000 रुपया कमा रहा है वो राशन पर कम से कम भी तो 1,500 रुपया खर्च करेगा, उससे कम क्या खर्च करेगा? गैस, दवाई, पढ़ाई लिखाई, जो बाकी खर्च है उस पर करीब 2,000 रुपया उसका खर्च होगा, बचा कितना उसके पास? ये दोनों जोड़ दीजिए, 3,500 रुपया होगा, और ये 4,200 रुपया के करीब एवरेज है, तो उसके पास बचा कितना? 700 रुपया बचा, ये 700 रुपया। उसमें फॉर्म भरने के लिए कम से कम 150 रुपया से 600 रुपया लगता है। अब तक परिवार का पूरा पैसा खर्च हो चुका होता है, परीक्षा भी बची ही हुई है, अभी उसको एग्जामिनेशन सेंटर भेजना है, कम से कम 500 रुपए की जरूरत तो होगी, परिवार कर्ज लेता है। तो जो लोग पैसे के लिए पेपर लीक कराते हैं, अगर पाठशाला देख रहे हैं, कभी सोचिए कि आप कितना कितना गलत काम कर रहे हैं। आपका जब आपके घर में हो सकता है पैसा आ जाता होगा, जब पेपर लीक होता है ना, वो मां बाप सो नहीं पाता, वो बच्चा नहीं सो पाता है जिसको मां बाप की थोड़ी चिंता रहती होगी कि अब मेरे माँ बाप कहां से कर्जा लेंगे, कैसे चुकाएंगे, कैसे क्या होगा, अब तो इस साल तो नहीं होगा, अगले साल होगा, वो यही कैलकुलेट करता रह जाता है।
एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचना एक संघर्ष है भाई, कि अगर परीक्षा सेंटर घर से 200 किलोमीटर के अंदर है तब तो 100-150 रुपया में ट्रेन का जनरल का टिकट आ जाएगा, लेकिन टिकट के बाद भी ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिलती। यह आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, पुरानी तस्वीर है, लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, देखिए कैसे। ये तस्वीरें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए जब आप अगली बार पेपर लीक की खबर पढ़ें। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पेपर लीक रोकने की, उनके जहन में घूमनी चाहिए। ट्रेन में 5-6 घंटे छात्र खड़े होकर परीक्षा वाले शहर पहुंचते हैं, पैसे बचाने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ता है, प्लेटफॉर्म पे खाना खाते हैं, घर से मां बिहार का है तो सत्तू भरा पराठा बना के दे देती है, लिट्टी बना के दे देती है, वही खाते हैं, भूखे पेट सो जाते हैं। यह है एक पेपर लीक की कीमत। वो छात्र प्लेटफॉर्म से ही सुबह किसी तरह से गाड़ियों पर लटक कर खड़े होकर पैदल ही परीक्षा सेंटर पहुंचते हैं, और फिर क्या पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। वहां मां बाप घर में बैठे हैं, मां पूजा कर रही है कि आज भगवान बेटा का एग्जाम अच्छा चला जाए, उसका कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए, इसलिए नहीं कि पढ़ेगा कुछ हो जाएगा तो मेरा कर्जा उतार देगा, कुछ अच्छा हो जाएगा तो अपने बच्चों को कम से कम इस सिस्टम से, इस बुरे घटिया सिस्टम से बचा लेगा। वहां मां भगवान के सामने आरती कर रही होती है, और यहां कुछ लोग पैसे के चक्कर में सबको बर्बाद कर देते। इतना खर्च करने के बाद फिर से उस छात्र को उसी ट्रेन में लटक कर, उसी गाड़ी से लटक कर वापस लौटना पड़ता है, 100-100 किलोमीटर पैदल चलकर घर जाकर मां बाप को क्या बताना पड़ता है पता है? मां पूछेगी बेटा पेपर कैसे गया, तो बताता है पेपर लीक हो गया मां। सोचिएगा कभी अंदर क्या क्या होता होगा उस वक्त।